और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, खबर यह आ रही है कि राष्ट्रपति की पत्नी का निधन हो गया है, सुव्रा मुखर्जी, उनका निधन हो चुका है। कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, काफी क्रिटिकल थी, इसको देखते हुए एक दौरा बीच में ही रद्द करके राष्ट्रपति वापस लौटे थे और सुव्रा मुखर्जी का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आर्मी अस्पताल में रिसर्च और रेफरल में वो एडमिट थी, काफी समय से बीमार चल रही थी। बताया जा रहा था कि वो हार्ट पेशेंट हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट में उनको रखा गया था, रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसी के चलते खुद राष्ट्रपति अपना एक दौरा बीच में छोड़कर वापस आए और उनका निधन हो गया है, राष्ट्रपति की पत्नी का निधन हो गया है। स्मिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, स्मिता पूरी खबर बताएं। देखिए, श्रीमती सुव्रा मुखर्जी जो कि पिछले कुछ दिनों से ही बीमार चल रही थी और आर्मी जो अस्पताल है, रिसर्च एंड रेफरल जिसे आरएनआर अस्पताल है, वहां पर उन्हें क्रिटिकल हालत में दाखिल किया गया था 7 अगस्त की शाम को। तो उन्हें सांस की दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो पहले से ही हालांकि हार्ट की मरीज भी थी और इंटेंसिव केयर यूनिट में ही आर्मी अस्पताल में रखा गया। तो आज सुबह 10:51 पर जो है उनका निधन हुआ है, जिसकी जानकारी अभी दी गई है। जी, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, बल्कि अगर कहा जाए 7 अगस्त, अगर सही तारीख का बताया जाए अपने दर्शकों को, तो राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर ओडिशा में थे और फिर उसके बाद उनको एक कॉन्वोकेशन के लिए कटक जाना था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, लेकिन उसको बीच में छोड़कर वो वापस आए और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निधन हो गया। और आपको बता दें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जो पत्नी है उनका देहांत हो गया है, निधन हो गया है। आर्मी अस्पताल में 7 अगस्त को उनको भर्ती कराया गया था, हार्ट पेशेंट, दिल की मरीज पहले से ही थी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के चलते उनको भर्ती कराया गया था, वहाँ पर आईसीयू में एडमिट थी, बहुत क्रिटिकल थी। यहाँ तक कि अभी पिछले शनिवार को बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बाकायदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को फ़ोन कर उनकी हालत जानी कि आखिर उनकी तबीयत कैसी है और उम्मीद जताई कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगी, क्योंकि सुव्रा मुखर्जी का जो पैतृक घर है वो बांग्लादेश के नारहेल में है और इसी के चलते बांग्लादेश के राष्ट्रपति और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया और आज सुबह 10:51 पर उनका निधन हो गया, उन्होंने अंतिम सांसें ली। सात अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बताया जा रहा था। और जो आर्मी अस्पताल है उसके रिसर्च और रेफरल में, आर्मी अस्पताल रिसर्च और रेफरल जिसको कहा जाता है, वहां पर राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर उड़ीसा में थे, यहां तक कि उनको एक कॉन्वोकेशन में जाना था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कटक में, उसको बीच में छोड़कर वो वापस आए और अभी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निधन हो गया है, सुव्रा मुखर्जी का। सुव्रा मुखर्जी के बारे में अगर बताएं तो इनका जो घर है वो पैतृक घर जो है वो बांग्लादेश में है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ने को और जानने को तब मिला जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, उस दरमियान जो इनके इंटरव्यू हुए, किस तरीके से उन्होंने बताया। और स्मिता शर्मा हमारे साथ हैं, स्मिता और क्या क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, फिलहाल जो है तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन की तरफ से शुरुआती ही से जानकारी दी गई है कि 10:51 पर जो है निधन हुआ है श्रीमती सुव्रा मुखर्जी का। वो काफी समय से ही बीमार चल रही थी, यही बात है कि जब प्रणब मुखर्जी हालांकि राष्ट्रपति भी बने, बतौर फर्स्ट लेडी काफी जो भूमिकाएं होती हैं उनमें भी जो है वो पब्लिक डोमेन में नजर नहीं आ रही थी उनकी स्वास्थ्य कारणों से ही। और 7 अगस्त की तारीख को खास करके तबीयत जब उनकी ज्यादा नाजुक हो गई, तो उस हालत में उन्हें आर्मी रिसर्च रेफरल अस्पताल में दाखिल किया गया था, तब से वो वेंटिलेटर पर ही बनी हुई थी।
सांस संबंधित जो है उन्हें दिक्कतें हो रही थी। काफी सारे ऐसे दुनिया भर के नेता हैं जिन्होंने संदेशा भेजा था प्रणब मुखर्जी को, खास करके बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, क्योंकि बांग्लादेश का जो गांव है नारहाल, वहीं से दरअसल वो एक तरीके से जो पुश्तैनी गांव है वो है सुब्रा मुखर्जी का, और अब तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो नेता वगैरह हैं वो आकर अपने लास्ट मैसेज दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।